भाई जो मस्जिद भगत सिंह है लगी सैयदना मस्जिद है, इसे पहले पुरानी मस्जिद थी, छोटी सी थी। और क्या है बोले तो हम सब महल के छोटे बड़े सब मिलके मेहनत करने के बाद में, और एक नवी कमेटी हमारे जाफर और हमारे कमेटी के मेंबर सब मिलकर बेहतर से बेहतर मस्जिद बनाई। और भी इंशाल्लाह जितनी भी मेहनत है मस्जिद के महल्ले के वास्ते, हमारे मुसलमान जितनी भी है एक यूनिटी चीर हो, जो भी मसला है कुछ भी है मस्जिद का हो या कोई भी मोहब्बत से लोग मिलकर कर लेते बोल के सुना देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुजफ्फरपुर है नई मस्जिद, पुरानी मस्जिद को नई तालीम दी भगत सिंह तालीम में, जो मस्जिद जो है जो पहले 50 अध्याय की मस्जिद थी, आज माशाल्लाह 200 अध्याय की मस्जिद को तामीन करी। ये जो मस्जिद जो भगत सिंह तालीम में जो है, हमारे तमाम भाया दिलदार भाया सब जितने भी हैं, ये मोहल्ले वाले जितने भी हैं, पूरे के पूरे और तरक्की करने वाले, अल्लाह को दुआ कर दो। ये रमजान का महीना अभी और सब जने एक दिल से सब कामा कर दो, एक दिल से सब जने हमारा बोल को अल्लाह से दुआ कर दो। इंशाल्लाह सब जने भी आने की इसमें और भी ऊपर तरक्की कर दो, सब जने इंशाल्लाह अभी तामीन करना को दुआ कर दो। रमजान का महीना चालू होने वाला है, सब आगे मस्जिद में नमाज पढ़ के, मस्जिद अभी पुरानी मस्जिद थी उसको तोड़ के जाना ताकित करे। इंशाल्लाह सब साथ मुसलमान सब मिलकर हमें मोहल्ले लेकर अपना पूरे तामीन कर रहे, सब साथ देंगे, ऐसा चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और फजल व करम है कि हमारे ईदगाह के अंदर सैयदना मस्जिद की तामीर की गई है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, और जितने भी साथियां इस मस्जिद के लिए मदद किए हैं उनके लिए मैं अपने दिल से जो है ना उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कमाई में और रोजी में बरकत अता फरमाए। जितने भी साथियां मदद किए हैं अल्लाह हमेशा उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आगे चलकर भी अगर अल्लाह चाहे तो इस मस्जिद के अंदर नीचे का तो काम पूरा हो गया है, अब उसके बाद रमजान के बाद दुआ कीजिए कि अल्लाह ऊपर का भी काम जो है ना हमसे ले, और अल्लाह से हमें भी यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ऊपर का भी काम जो है ना आसान करो इंशाल्लाह।